हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से मैं कोई मेकअप की वीडियो नहीं लाई थी। मैं मेकअप करके नहीं दिखाने वाली हूँ, बट मेरी वैरायटी में जो मैंने न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, मैं वो आपका शेयर करने वाली हूँ। आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाली हूँ कि कैसे लगे, अच्छा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बाकी मैं ना बहुत सिलेक्टिव हूँ, मैं बहुत सिलेक्ट कर करके आइटम्स लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जो अपनी सेविंग्स होती है उससे मैं चीजें मंगवाती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो भी है परफेक्ट आए, कुछ खराब ना आए। तो जितनी भी चीजें मुझे सबका सब परफेक्ट ही है, बट कैसे मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं की है, जब से आई है पड़ी हुई है, तो मुझे आपको शेयर करना था। और इसमें से एक जो है प्रोडक्ट, वो आप लोगों ने डिमांड किया था कि उसका पार्ट टू लाइए, तो मैं इसमें फुल वीडियो लेके आ गई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज मुझे इंस्टा पे भी सपोर्ट करिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, और मैं वहां पर छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट वीडियोस में उसमें डालती जाती हूँ। तो आप मुझे वहां पर भी जाके फॉलो करिए, अपना प्यार दीजिए। तो मेरा जो इंस्टा का हैंडल है वो मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से ही रूप्स ब्यूटी हब, और साइड में मैं आपको अपना पेज लगा दूंगी इंस्टा का, तो आप प्लीज मुझे वहां पर भी जाके प्यार दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इससे। तो ये है मेरा एस ऑफ बेस का फाउंडेशन, एचडी मैट मेड इन थाईलैंड, 30 ml इसकी क्वांटिटी है, और रिकोड स्टूडियो प्रो का है ये। तो गाइज, रिकोड के प्रोडक्ट्स प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप अपने पार्लर वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हैं, आप ब्राइट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। मेरा जो इसमें शेड है वो है 02 इंद्रप्रस्था, और ये देखिए गाइज मेरा परफेक्ट शेड आया है। आप मेरे स्किन टोन के हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इस तरीके की पंप वाली पैकेजिंग में आया है और मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया हुआ है। ये देखिए शेड देख रहे हैं आप, एकदम परफेक्ट आया है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है। तो ऐसे जो लिक्विड वाले फाउंडेशन होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। और इस तरीके के जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं ना, आप मैच्योर स्किन पे भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। तो थिक फाउंडेशन लगाएंगे या क्रीम फाउंडेशन लगाएंगे तो जल्दी से ब्लेंड नहीं होगा, बट इस तरीके के फाउंडेशन इजीली ब्लेंड होते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा शाइन आ गया है। इसका जो MRP है वो है 885। ये देखिए शाइन आपको दिख रही होगी, बहुत ही अच्छी से शाइन आ गई है। और मैंने इस टाइम पे कोई अपने फेस पे कोई बेस नहीं बनाया है, इसलिए आपको मेरा फेस एकदम सादा सिंपल लग रहा होगा। बस मैंने लाइनर और लिपस्टिक लगाई है और अपनी आईब्रोज फिल करी हुई है। अगर मैं बेस बनाती तो मेरा फेस भी कुछ इस तरीके से शाइन कर रहा होता अभी। ये देखिए डिफरेंस आपको खुद ही दिख रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग लास्ट करता है। और इसी के साथ मैंने मंगवाया है इसका मिनी प्राइमर, जो कि इसी की पैकेजिंग में आता है। कुछ ब्लिंगी ब्लिंगी सी पैकेजिंग है इसकी, पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और इसमें जैसा लिखा है एस ऑफ स्पेस मैटिफाइंग प्राइमर, तो मैंने यहाँ पे इसकी छोटी ट्यूब मंगाई है जो कि 295 का आता है। ये मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले होंगे उसमें, बट एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने ये रिकोड के इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया था। मैं थोड़ा सा आपको इसका भी दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे जो सिलिकॉन प्राइमर होते हैं ना, उसी तरीके से आते हैं ये, इस तरीके से इसी के ऊपर ही लगा दिया फाउंडेशन के, ये यहाँ पे लगा लिया मैंने। तो ये प्राइमर मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ गाइस, बहुत ही अच्छा है। इसको लगाने के बाद आपका जो बेस होता है ना वो और लॉन्ग लास्ट हो जाता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं इसके साथ तो जा सकते हैं। पहले छोटी ट्यूब ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फिर बड़ी ट्यूब मंगवाइए, और ये फाउंडेशन सच में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ये सुगर का फाउंडेशन गाइस, ये मेरा पुराना हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने कम से कम 2 से 3 बार यूज किया है, बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो मुझे लगा ये मुझे आपको दिखाना चाहिए। और इसकी हालत इतनी बुरी आई थी जब मुझे रिसीव हुआ था, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, ये मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ था। तो लगाने 2 बार लगाने के बाद अब ये क्या हुआ, ये इसमें इस तरीके से ना पूरा जम गया है, जो रोटेट करके ऊपर आता था, बट वो अब इसमें ऐसे जम सा गया है, तो वो ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो कुछ टाइम के बाद मुझे इसको ऐसे ऐसे करके निकाल निकाल के लगाना पड़ेगा। बट ये फाउंडेशन गाइज अमेजिंग फाउंडेशन है, और मेरा शेड एकदम परफेक्ट शेड आया था। ये ऑनलाइन से मंगाने में थोड़ा सा जैसे रिस्क लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका परफेक्ट शेड आए ना आए, बट ऑनलाइन शॉपिंग करते करते मैं भी ट्रेंड हो चुकी हूँ। ये देखिए मेरा परफेक्ट शेड आया है, और ये इस तरीके के स्टिक फॉर्म में आता है। पीछे आपको इसमें ऐसा ब्रश मिल जाएगा, मैंने इसको यूज ही नहीं किया, देख सकते हैं क्लीन है, जो कि बहुत ही इजिली ब्लेंड होता है। ये भी आपको देखने पे लगेगा कि ये तो स्टिक फाउंडेशन है, थोड़ा थिक होगा, बट नहीं, ये बहुत ही इजिली ब्लेंड होता है और बहुत ही कम अमाउंट में लगाना पड़ता है आपको इसको। ये देखिए अगर आपका परफेक्ट स्किन टोन का फाउंडेशन आपको मिला है तो आपकी एकदम नेचुरल स्किन लगने वाली है, बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि आपने कई सारी लेयरिंग करी हुई है। एक लेयर में ये आपको बहुत ही अच्छा बेस दे देता है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। 999 आई थिंक इसका प्राइस है। मेरा जो शेड है इसमें वो है 07 वनीला लाटे, मेड इन कोरिया का है ये। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस पे, जिसको दिखाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा बेचैन थी आप लोगों के साथ। तो गाइज ये मैंने ऑफलाइन लिया है, ये देखिए
ये है सील्स कॉस्मेटिक की तरफ से लेजेंडरी मेकअप प्रो लिप पैलेट। और मैं नागपुर गई थी सेमिनार के लिए, जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है। वहां पे बहुत सारे स्टॉल लगे थे अलग अलग ब्रांड्स के, तो वहां पर जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे, जो जिन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया था, अमित करमाकर सर, उन्होंने सारे ही प्रोडक्ट हमको सील्स के दिखाए थे। मैंने वहीं से ये लिप पैलेट बाय करी थी गाइस। ये देखिए इस तरीके की पैलेट है। तो पहले मैंने इसको इंस्टाग्राम पे देखा था, तभी से मेरा मन था कि मुझको ये लेना है, बट ना नायका पे दिखा ना पर्पल पे दिखा, तो मैंने फिर इसको सोचा था इंस्टाग्राम से ही मैं सीधा इसका जो सील्स का पेज होगा मैं वहां से मंगवाऊंगी, बट मुझे ये वहां मिल गया तो मैंने फिर छोड़ा ही नहीं और मैंने ले लिया। आई थिंक ये 1500 की पैलेट थी, 1500 की कुछ डिस्काउंट के बाद, 1500 की। आपको लग रहा होगा कि महंगी है, बट गाइस अमेजिंग शेड्स हैं। आप इसमें मिक्सअप करके भी एक अपना खुद का शेड बना सकते हैं बहुत ही, और ये जैसे वाइट शेड दिया हुआ है, इससे आपको कोई शेड को लाइट करना हो तो लाइट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पैलेट है। और मैं आपको देखिए, मैंने बिल्कुल भी इसको भी टच भी नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा इसको टच करने का, इतनी सुंदर लग रही है। ये वाला शेड ट्राई करवाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए इसका ये वाला शेड देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे शेड है। मतलब आपने अगर ये लिप पैलेट ले लिया तो आपको फिर बहुत सारी लिपस्टिक अलग 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 शेड लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए गाइस, शेड बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा थिक नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ब्रश को रगड़ना पड़ रहा है। एक स्वाइप करने पर इस तरीके की पिगमेंट आ रही है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आपको बड़ा सा मिरर मिल जाता है, टोटल आपको 25 शेड्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, कुछ कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है इस तरीके से, जो अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको लिपस्टिक का शौक है और आप चाहते हैं कि आपके पास हर तरीके की लिपस्टिक हो, तो आप ये ले लो, हर तरीके की लिपस्टिक बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो और कलर्स के साथ खेलो, क्योंकि कलर्स के साथ खेलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, न्यू कलर बनाना। जब मैं ड्राइंग करती थी तो अलग 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 कलर को मिलाकर एक नया कलर बनाने की कोशिश करती थी, तो मैं इसमें भी वही करूंगी। शेड आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर शेड है सारे के सारे। तो नेक्स्ट ये था। उसके बाद जो कि है ये फैन, तो ये मैंने इसलिए लिया था कि कई बार मैं आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ और ऐसा लगता है ना कि जल्दी से मेकअप ड्राई हो जाए, तो उसके लिए ये फैन है, जो कि ऐसे दबाया इसमें ऐसे लाइट चल जाती है और एक मस्त सी हवा आपको मिलती है, मस्त। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप बहुत गर्मी है तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हो आप इसको, और साथ में इसके इस तरीके का केबल भी मिल जाएगा जिससे आप चार्ज करके भी इसको यूज कर सकते हो। और सिर्फ 400 में मुझे मिला था, वहीं पे जो स्टॉल लगाया था उन्हीं के पास था, तो मैंने इसको लेना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मैं मेकअप भी करती हूँ किसी का तो मुझे जल्दी जल्दी सुखाना होता है, तो उसके भी काम आएगा और आप लोगों के साथ शेयर करने के भी काम आएगा, और मुझे बड़ा क्यूट सा लगा तो मैंने कहा इसको ले ही लेते हैं। तो नेक्स्ट ये था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम पे, जो कि मैंने अगेन इस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी, लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि मैम इसका सेकंड पार्ट लाइए, तो मैंने उस टाइम अनबॉक्सिंग ही शेयर करी थी। और ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से मंगाया था, मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी उसमें। तो ये है, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, बट इंस्टा पे मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी मिला तो मैंने वहां से मंगा लिया। और अभी ये नायका पे भी अवेलेबल था, और जितने ही प्राइस मैंने इंस्टा से मंगवाया था वही प्राइस में मुझे भी नायका पे भी डिस्काउंट पे मिल रहा था। तो ये है गश का स्क्वीजी ब्लश सीरम इन्फ्यूज्ड ऑल इन वन लिक्विड कलर। तो गाइज ये है ब्लश, जिसकी पैकेजिंग से मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई, और मुझे थोड़ी ऐसी डिफरेंट सी जो पैकेजिंग होती है उसको चीज उसको ट्राई करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितनी प्यारी पैकेजिंग है गाइज, ये हाथ में देखना, मैंने ब्रश इसी अपने हाथ में रब रब कर लिया क्योंकि मुझे फिर उठ के जाना पड़ता है टिश्यू लेने के लिए, इसलिए ये देखिए इतनी प्यारी। और बीच में ना ये हैवी वाली ट्रांसपेरेंट कैरी बैग नहीं आती उस तरीके का है ये देखिए इस तरीके से स्क्वीजी, इसलिए इसका नाम है स्क्वीजी ब्लश। और बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है, ऐसे छोटू सा पर्पल कैप और फिर यहाँ पे ऐसे डॉट सा ऐसे निकलेगा ब्लश आपका ये, और जरा सा ही लेना है आपको। इंस्टा पे बहुत ही सुंदर लग रहा था शेड ये वाला, एक्चुअली इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो गई हूँ क्योंकि मुझे जो शेड चाहिए था ये उस तरीके का, ये देखिए इस तरीके का शेड आया है ये, बट मुझे ना थोड़ा पिंकिश लग रहा था उस पे, तो मुझको लगा कि ये पिंक शेड है, तो जो थोड़े डस्की स्किन टोन के ना उनके पे ज्यादा अच्छे से जाएगा ये। और इसमें से बहुत ही प्यारी रोज की फ्रेग्रेंस आ रही है देखिए, इससे अच्छा लग रहा है। अभी मैंने बेस नहीं बनाया हुआ, अगर मैं बेस बनाती तो शायद ये और अच्छा दिखता। ये देखिए इस तरीके का शेड आ रहा है ये फाउंडेशन के ऊपर, में या तो आप थोड़ा सा अपना कोई दूसरा जो पिंकिश कलर है उसको ऐड करके फिर लगाएंगे तो ये और अच्छा लगने वाला है। वैसे आप देख सकते हैं कि अच्छा लग रहा है, बेकार नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा पिंकिश टोन में होता तो अच्छा था, मुझे पता नहीं कि पिंक ज्यादा पसंद है इसलिए भी शायद। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है, बहुत मन इसको बस मन ये करता है खोलो
और ऐसे तो बात बाकी निकालते रहो, बट ये महंगा है यार। ऑफर के बाद भी आई थिंक ये मुझे 600 का पड़ा था। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नायका वाली पैकेजिंग पे। तो मैंने नायका से कुछ मंगवाया था, तो यार ये है, ये दो स्पॉन्ज हैं जो कि हैं ब्रॉन्सन के इस तरीके से। तो ये मुझे ट्राई करने थे, क्यों, क्योंकि मतलब जिस तरीके से मैंने देखा आजकल इंस्टाग्राम पे इस तरीके के जो पफ हैं यूज़ हो रहे हैं ना, तो एक तो इसका जो ये बनाया गया है जिस तरीके से इसको ट्रायंगल में, ये बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट कि अच्छे से आप इस तरीके से पूरा अपना कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको मंगवा लिया, और मैंने दोनों ब्लैक ही मंगवाए थे, बट एक इन्होंने मुझे पिंक दे दिया। मेरे पास है ट्रांसलूशन पाउडर, मैं थोड़ा सा सेट कर ये दिखा दिया, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है ये। जो सर्कल वाले होते हैं ना उसको फिर हमें ऐसे मोड़ के फिर करना पड़ता है, बट इसमें कैसे आगे से शेप बनी हुई है, तो ट्रांसलूशन पाउडर लगाना बहुत ही इजी हो जा रहा है। तो इस वजह से मैंने इसको मंगाया था, बस ये एक भी नहीं थे तो मैंने मंगवा लिया। और अभी मुझे जो फिंगर वाले चले हैं वो भी मंगवा के ट्राई करना है, तो इस वजह से मैंने ये दो मंगवा लिया। ऑफर में थे तो मैंने मंगवा लिया, नायका सेल के टाइम पे मंगवाए थे। बीपी ब्रॉन्सन प्रोफेशनल ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज हैं, जो कि आपको 210 में दो मिले हैं, मतलब इसमें 210 लिखा है, बट मुझे ये आई थिंक 150 या 160 में दो मिल गए थे, तो मैंने ये दोनों ही मंगवा लिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे, जो कि हमें इस तरीके से बड़े से डब्बे में रिसीव हुआ है, जो कि है ये कैसे मैंने थोड़े महंगे आइटम मंगवाए हैं, कि कुछ आइटम मुझे जैसे मन था मंगवाने का, वैसे तो मेरा बहुत आइटम मंगवाने का मन है, सारे महंगे महंगे आइटम्स मंगवाऊं, बट वो भी आएंगे धीरे धीरे। ये मैंने अभी कुछ मंगवाया, जैसे ये है, ये भी 1500 का है, कैरेक्टर आर्टिस्ट मेकअप पैरिस। तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर है उनकी रिकमेंडेशन से लिया है। तो ये देखिए इस तरीके की पैकेजिंग, ऐसे शीट आ जाती है, और आपको ये चार प्यारे प्यारे से हाईलाइटर मिल जाते हैं गाइस, जो कि बहुत ही रिच वाली लुक दे रहा है। मतलब जिस तरीके से इसकी पैकेजिंग है ना, एक गोल्ड में, शाइनिंग में, गोल्डन कलर में, बहुत ही सुंदर देता है। और इसके जो हाईलाइटर हैं गाइस, मतलब मैंने जब उनको लगाते हुए देखा था ना, मुझे तब भी मन था कि मुझको ये चाहिए। ब्रश ले रही हूँ क्योंकि मैं इसी से अपना हाईलाइटर लगाती हूँ, और मैं आपको लगा के दिखा दूँ, मैंने हाईलाइटर नहीं लगाया है। मैं अपने पूरे चिक पे लगा के दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस शाइनिंग देखिए आप, मतलब कि इतनी नेचुरल फिनिश, इतना सटल ग्लो देता है ना ये, कि एकदम से चमकी चमकी वाला बिल्कुल भी नहीं देता। और कैरेक्टर कॉस्मेटिक ना एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जो कि अभी आपको इंडिया में भी अवेलेबल हो गया है, तो मैं कहूंगी कि आप इसके साथ जरूर जाइए। मेरा ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का फर्स्ट आइटम है, बट मैं चाहूंगी कि मैं इसके धीरे धीरे करके सारे आइटम मंगाऊं। मुझे इसका फाउंडेशन भी बहुत अच्छा लगा है, मुझे इसका आई शेडो पैलेट भी बहुत पसंद आया है, इसका लिप पैलेट भी बहुत अच्छा है, बट लिप पैलेट मैंने वो ले लिया है तो अभी मैं और इन्वेस्ट नहीं करूंगी। बट मैं इसका आई शेडो पैलेट, मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट या तो इसका लिक्विड वाला ब्लश है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे हैं, और या तो जो इसका पूरा ब्लश एंड हाईलाइटर का पैलेट है ना, अगर आपको चाहिए कि ब्लश भी लेना है हाईलाइटर भी लेना, तो मैं कहूंगी आप इसका जो वो वाला पैलेट है, इसमें ब्लश हाईलाइटर दोनों है, 2200 का है, आप उसके साथ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए शाइनिंग ही आप देखिए, एक अलग ही शाइनिंग आ रही है। मेकअप आपका कंप्लीट बिना हाईलाइटर के नहीं हो सकता यार, हाईलाइटर चाहिए। और मेरे को, मैं वैसे भी ना हाईलाइटर और ब्लश के कुछ ज्यादा ही शौकीन हूँ, मुझे कितने मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन जब मुझे कुछ नया दिखता है तब मैं ब्लश मंगा लेती हूँ नया, जब मुझे नया हाईलाइटर कुछ दिखता है तब मैं मंगवा लेती हूँ। मुझे इतना ज्यादा कीड़ा है हाईलाइटर और ब्लश का, तो मैं क्या बोलूँ। और मुझे ना भर भर के हाईलाइटर लगाना पसंद है, भर भर के, ये देखिए ग्लास वाली स्किन हो रही है एकदम, जैसे लग रहा है मेरे स्किन एकदम ग्लास जैसी चमक रही है। अगर आपने ये लगाया ना, तो पक्का लोग आपसे पूछने वाले हैं कि कौन सा हाईलाइटर लगाया है। ये देखिए अभी तक मेरी स्किन पे ग्लो नहीं दिख रहा था, जबकि मेरे स्किन पे कोई बेस नहीं है, मैंने जस्ट कॉम्पैक्ट लगाया है, और ब्लश मैंने आप लोगों के सामने लगाया है, जस्ट कॉम्पैक्ट लगाया, आईब्रो फिल किया, आंखों पे मैंने थोड़ा सा दो लाइनर से, जबकि आप देख सकते हैं आई शेडो भी नहीं लगाया है, दो लाइनर से ब्लैक एंड पिंक से मैंने थोड़ा सा कलाकारी दिखाई है, और एक लिपस्टिक लगा लिया है, क्यों, क्योंकि रात हो रही थी, मेरे को मेकअप करने का मन नहीं था, पर मैंने कहा यार थोड़ा तो करना पड़ेगा, थोड़ा करते करते इतना किया मैंने, और ये सब मुझे शेयर करना था, तो मैंने ब्लश हाईलाइटर वगैरह लगाया नहीं। तो ये मेरे इस हॉल का फेवरेट आइटम है, वैसे तो मेरे सारे फेवरेट है तभी मैंने मंगवाए हैं, बट कोई कोई चीज़ें होती है ना, वैसे भी मैं थोड़ा हाईलाइटर लवर हूँ, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया, इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद आई, और ये इस तरीके से मैग्नेट वाला है, अपने आप ही ऐसे स्टिक हो जाता है, बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है सील्स का फाउंडेशन, जो कि है सील्स एक्सक्लूसिव लेजेंडरी मेकअप 24 आवर मैट फिनिश अल्ट्रा एच डी परफेक्टर फुल कवरेज फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है। इसको मैंने वहीं पे ही, जहां से मैंने पैलेट लिया वहीं से लिया है, और इन्होंने मुझे इसका
टेस्टर दिखाया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इतनी इजिली ब्लेंडिंग, मैंने जैसा कि कहा मुझे इजिली जो ब्लेंड होते हैं वो फाउंडेशन बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्किन को ना बहुत ही फ्लॉलेस बेस देते हैं, ऐसा थोपा हुआ मेकअप नहीं लगता है। इसकी पैकेजिंग इस तरीके से दिखिए, ये ग्लास है बट बहुत ही लाइट वेट है, वाइट कैप है इसका जिसमें लिखा हुआ है सील्स। और ये मैंने थोड़ा डार्क में लिया है, क्यों? क्योंकि मैंने ये अपने क्लाइंट्स के लिए लिया है जो थोड़े डस्की स्किन टोन के जो मेरे पास मेकअप आते हैं उनके लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके का फाउंडेशन है, तो अगर आप थोड़ी डस्की स्किन टोन के हैं तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा रहेगा। और आप देख सकते हैं मैंने कितना सा लिया था और ये कितनी जल्दी से ब्लेंड हो रहा है गाइस। और एक मैं सोचूँ ना कि मैं अलग से फाउंडेशन की वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अपने सारे फाउंडेशन दिखाऊंगी जो मेरे फेवरेट हैं। शायद ये यहाँ पे परफेक्ट जाएगा, मैं एक बार आपको यहाँ पर भी ट्राई करवा देती हूँ। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं मेरी स्किन थोड़ी सी डार्क है, तो मैं इसको यहाँ पे आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए गाइस, मतलब ये ना मैंने नोटिस किया कि ये बाकी फाउंडेशन से थोड़ा ये कुछ ज्यादा लिक्विडी है और लगाने के बाद एकदम से थोड़ी देर के बाद एकदम मैट हो जाता है। फाउंडेशन में आप जब लगाएंगे तो आपको एक अलग से शाइन प्रोवाइड होगा जो कि बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। मैं बाद में पछता रही थी कि मैंने अपनी स्किन टोन का क्यों नहीं लिया, मैंने क्यों डस्की स्किन टोन का ले लिया, मुझे अपनी स्किन टोन का लेना था। मैं डस्की स्किन का इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए था एक डार्क स्किन टोन के लिए। जैसे मेरे जो साइडर मेकअप की बुकिंग रहती है तो उनके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही क्विक हो जाता है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से लगाओ और इजिली ब्लेंड हो जाता है और वो अच्छा हमको पे करते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट भी हमको अच्छा ही लगाए। सामने वाले से आप जिस तरीके का पैसा ले रहे हैं आपको काम भी उसी तरीके का देना चाहिए। तो मैं अपना काम ना अगर मैं 1000 लेती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको ना 1500 का करके दूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं बनाऊंगी मेरे क्लाइंट्स तो वो मेरे साथ हमेशा चलने वाले हैं, तो मेरे को अपने क्लाइंट्स बनाने हैं, पहले मुझे पैसा नहीं कमाना, पहले मुझे क्लाइंट कमाने हैं। उसके बाद जब एक बार मेरे क्लाइंट सेट हो गए तो मुझे पता है कि वो फिर कहीं नहीं जाने वाले, तो मैं अपना पूरा 100% देती हूँ कि मेरे क्लाइंट एक बार अगर मेरे पास आए ना तो दोबारा फिर वो कहीं सोचे ही ना जाने की और वो मेरे पास ही आए। देखिए आप, ये अब बिल्कुल मैटिफाई हो चुका है, ये देखिए, और कितना स्मूथ कितना फ्लॉलेस लग रहा है। तो अगर आप इस स्किन टोन के हैं ना, डार्क स्किन टोन के हैं, तो ये फाउंडेशन आपके लिए परफेक्ट है। और इसमें मैं आपको अपना शेड बता देती हूँ, फुल कवरेज फाउंडेशन 07 तहोई 12/2025 तक आप इसको यूज कर सकते हैं। 3 साल की सेल्फ लाइफ होती है हर कॉस्मेटिक आइटम्स की। और इस तरीके की पंप वाली पैकेजिंग में है ये, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस तरीके का कैप है। और इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो भी बहुत ही अच्छी है, इस तरीके का कार्डबोर्ड है, बहुत ही हैवी बहुत ही ठोस वाला कार्डबोर्ड है। और इस तरीके से आप इसको कवर सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है सील्स। अब आ जाते हैं लास्ट आइटम पे, ये, और ये मैंने लोगो शॉप से लिया है आपको, बट ये नायका और पर्पल दोनों पे अवेलेबल मिल जाएगा। PSC का मेकअप ब्लेंडर, जैसे कि मैं क्रायलॉन किट डर्मा की यूज करती हूँ तो बेस पैलेट होती है ना वो थोड़ी थिक होती है, तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा ये ड्रॉप डाल के उसको इजली ब्लेंड करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए ये ड्रॉप डालना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके का, यहाँ से आप जब इसको आप खोलेंगे तो ड्रॉपर जो होता है ना, इस तरीके से जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इसमें से ड्रॉप आ जाएगा, और आप जब ऊपर से प्रेस करेंगे तो आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप ड्रॉप ले सकते हैं। तो इसकी 2 ड्रॉप इनफ होती है गाइस, और बाकी आपको जितना उसका बेस बनाना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आपको ये नायका पे इजिली अवेलेबल मिल जाएगा। इस तरीके इसमें लिखा भी है, मेकअप ब्लेंडर PSC यूज विद फाउंडेशन एंड क्रीम प्रोवाइड्स वेलवेट मैट फिनिश मॉइस्चराइजिंग एंटी ऑक्सीडेटिव पैराबेन फ्री, इसमें लिखा हुआ है। यूज विद फाउंडेशन एंड क्रीम प्रोवाइड्स वेलवेट मैट फिनिश, हद से हद 15 ml होगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो उसे ब्राइट को मैंने लगा के, मैंने क्रायलॉन से उसका बेस बनाया था और वो उसके हिसाब से थिक था, तो मैंने इसकी 2 ड्रॉप डाली थी और बेस बहुत ही फ्लॉलेस बना था मेरा। और ये ना आपके बेस को थोड़ा लॉन्ग लास्ट भी कर देता है, उसको और भी ज्यादा मॉइस्चराइज और ग्लोई बना देता है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो बस गाइज, ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट जो मेरा मन था लेने का, और धीरे धीरे करके मैंने एक 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 करके मैंने मंगवाए। तो आज मुझे लगा आपको शेयर कर देना चाहिए क्योंकि मैंने सारे आइटम मेरे आ चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आप देखना चाह रहे होंगे, उम्मीद है आप लोग को उससे हेल्प मिली हो। और आप कोई भी प्रोडक्ट इनमें से लेते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टा पे टैग करिएगा, और उम्मीद करती हूं कि आप मुझे इसमें अच्छा प्यार देंगे। इस बार मैंने ना टारगेट रखा है, कम से कम ज्यादा नहीं तो आप मुझे 50 लाइक तो देंगे। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही, अपनी वीडियोज की जो मेरी ग्रोथ है उसके हिसाब से बोल रही हूँ, ज्यादा नहीं 50 लाइक दे देना, मैं 100 भी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 50 लाइक बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे, जैसे कि मीशो की वीडियो को आप हमेशा प्यार देते हैं उसी तरीके से। थैंक यू सो मच, वो वीडियो मेरी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइम पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।